डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली, वी डोंट प्रोवाइड एनी टिप्स। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का मार्केट नैरो सीपीआर था कि वाइडर सीपीआर था? नैरो। ट्रेंडिंग होना था कि नहीं होना था? यस सर, होना था। और R4 लेवल के आसपास आके क्लोज हो गया है, ठीक है। तो नैरो सीपीआर था मतलब ट्रेंडिंग होना था, तो जिन्होंने भी पुट का पोजीशन बनाया होगा उसको अच्छे रिजल्ट मिले होंगे। अगर हमारे सेटअप के हिसाब से भी देखें तो सेकंड कैंडल ही वीवैप के नीचे आ गया था, और डेज ओपन को भी अगर कंसीडर करना है तो डेज ओपन के नीचे ये वाला कैंडल आ गया था, ठीक है। उसके बाद पूरा का पूरा जो सिग्नल था वो डाउनवर्ड था। नैरो है, नैरो में मोमेंटम आ सकता है। तो आज का मार्केट तो नैरो सीपीआर की वजह से बढ़िया ट्रेंडिंग रहा। कल का मार्केट फिर से परेशान करेगा, तो जो ऑप्शन बायर है वो उनको कल सजग होकर ट्रेड करना है। हो सकता है अगर गैप डाउन खुलेगा ना तो वापस कवर करने कोशिश करेगा, तो कल ध्यान ये रखना है कि अगर गैप डाउन हो जाता है तो सेटल होने देना नीचे की ओर। हो सकता है परेशान करने के लिए 2-4 कैंडल नीचे चला जाए और उसके बाद फिर से वो कंसोलिडेट करके ऊपर रिवर्स कर देगा, ठीक है। तो कल का वाइडर सीपीआर रहेगा, सॉरी वाइडर सीपीआर है तो कल ट्रेंडिंग कम रहेगा। कल हो सकता है कि ट्रैप करेगा ऊपर नीचे करके। तो कल जिन लोग शेयर्स में ट्रेड करते हैं, शेयर्स में ट्रेड करने वालों को कहीं दिक्कत नहीं है, और बाकी जो इंडेक्स में करते हैं तो इंडेक्स में सेलर को दिक्कत नहीं होगा, बायर को हो सकता है थोड़ा बहुत दिक्कत हो, अदरवाइज बायर को भी दिक्कत नहीं होगा अगर सेटअप को ही फॉलो करें तो। ध्यान ये रखना है शुरू में अगर फास्ट नीचे आता है तो नीचे आने के बाद वो सपोर्ट लेके कहीं ना कहीं से रिवर्स होने की कोशिश करेगा, और गैप अप खुलता है तो गैप अप खुलने के बाद ये R1 प्रीवियस डे हाई के बीचों बीच से ही रिजेक्ट होगा, उसके ऊपर जाना मुश्किल है, या तो बहुत ज़्यादा गैप अप हो जाए तो अलग बात है, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में से थर्ड कैंडल से एंट्री दे दिया था, बैंक निफ्टी में भी नैरो सीपीआर था, वन वे ट्रेंडिंग होना था बैंक निफ्टी भी, तो बैंक निफ्टी भी थर्ड कैंडल से एंट्री दे दिया था डाउन साइड में, और डाउन साइड कंटिन्यू रहा, तो बैंक निफ्टी भी बढ़िया रहा। तो कल अगर देखते हैं कल के डेट में बैंक निफ्टी में भी वाइडर सीपीआर रहने वाला है, तो कल बायर को थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी हो सकता है, अदरवाइज जो सजग होकर ट्रेड करेंगे उनको दिक्कत नहीं है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी का कंपैरिजन करेंगे तो बैंक निफ्टी कम कमज़ोर है, निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर है। और ये ध्यान रखना, जैसे ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जैसे इसी चार्ट में ये वीवैप के ऊपर है, डेज ओपन के ऊपर है, लेकिन ये आप देख रहे हो ट्रेंड डाउनवर्ड था तो ऊपर गया है तो वापस आएगा ही आएगा, तो इसको ये नहीं देखना है कि ये कैंडल बन गया तो मुझे एंट्री कर देना है। यहाँ 20 EMA का लाइन नीचे है तो ऊपर अगर गया भी है तो ये कंसोलिडेट करेगा यहाँ पे, है ना, वो धीरे से सेटल होता है। और अगर हम डेली कैंडल स्टिक में देखते हैं तो निफ्टी डेली कैंडल स्टिक के हिसाब से लॉन्ग टर्म में क्या दिख रहा है या हायर टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है? आज ट्रेंड क्या था? ट्रेंड क्या था? हायर ट्रेंड मंथली बेसिस पे। वीवैप का लाइन जब 20 EMA के लाइन के नीचे आ गया तो आपका तो बेरिश हो गया ना मंथली सीपीआर के बेसिस पे। और अगर आप आवरली का बोल रहे हैं तो आवरली में भी आप देखेंगे तो आवरली में भी नेगेटिव हो गया है। आवरली में आप देखेंगे तो यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये यहाँ से नेगेटिव है, मतलब अगर देखेंगे तो ये करीब फ्राइडे के आसपास से नेगेटिव हो चुका है, है ना। तो ये ट्रेंड अभी भी डाउनवर्ड है। आवरली कैंडल में भी 20 EMA के नीचे भी वैप है, तो 20 EMA के नीचे भी वैप है मतलब नीचे की ओर मोमेंटम आएगा, ठीक है। तो मंथली सीपीआर बोल रहा है नीचे जाएगा, और वीकली सीपीआर बोल रहा है नीचे जाएगा, और इंट्राडे में नीचे मिला तो दबा के उसमें क्वांटिटी मार देना है, है ना, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम आपको सपोर्ट कर रहा है ना नीचे के लिए, तो नीचे की ओर मूवमेंट फास्ट आएगा। तो यहाँ पे हमको मंथली सीपीआर बोल रहा है नेगेटिव, वीकली सीपीआर बोल रहा है नेगेटिव, इंट्राडे सेटअप भी हमको जैसी नेगेटिव सिग्नल दिया, तो इंट्राडे सेटअप हमको नेगेटिव सिग्नल कब दे दिया था? सेकेंड कैंडल देखिए वीवैप के नीचे आ गया है, सेकेंड कैंडल ही हमको सिग्नल दे दिया था, क्योंकि ये जो स्ट्रांग बुलिश कैंडल बना है ग्रीन कैंडल, इसका 50% लेवल से नीचे क्लोज हो गया, मतलब यहाँ से समझ जाना है कि ये जो स्ट्रांग कैंडल था उसको कमज़ोर कर दिया है, ठीक है। कभी भी बड़ा कैंडल अगर दिखता है आपको स्ट्रांग कैंडल, तो अगर उसका 50% लेवल के नीचे क्लोज हो गया मतलब समझ जाना कि वो इसका जो स्ट्रेंथ है वो
ख़त्म हो गया है, और उसके बाद तो फिर नेगेटिव सिग्नल था ही पूरा। तो जब भी 20 EMA से ज़्यादा दूर आ जाता है तो वापस 20 EMA जाता है, तो 20 EMA के पास नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, फिर शॉर्ट करना है, फिर से 20 EMA जैसे ये दूर हो जाता है ना, दूर हो जाता है तो कंसोलिडेट करके 20 EMA जाता है, 20 EMA के बाद से फिर से रिजेक्ट होता है। तो आज नेरो CPR था, मंथली और वीकली ट्रेंड नेगेटिव था, तो ओवरऑल ट्रेंड जो है नेगेटिव था, इसीलिए बड़ा मोमेंटम आ गया। अगर उधर पे पॉजिटिव रहता तो वन वे इस टाइप से नहीं आता। बाकी जो लोग शेयर्स में भी ट्रेड करते हैं, तो शेयर्स में जैसे कोई भी एक शेयर रेंडमली लिया मैंने, रिलायंस, तो रिलायंस भी नेगेटिव सिग्नल था थ्रू आउट, HDFC बैंक थ्रू आउट नेगेटिव सिग्नल था, तो शेयर्स में भी जो लोग करते उनको भी कहीं कोई दिक्कत नहीं था। तो शेयर्स में भी सेम चीज़ है, शेयर्स में भी सेम आपको वही देखना है। आप किसी भी शेयर में देख लो, जैसे ये रिलायंस का है एग्जाम्पल के लिए, ये कैंडल ने ब्रेक किया है, इसमें VWAP का लाइन 20 EMA के नीचे आ गया है, तो ये लेवल था 2922 और ये लो अभी चल रहा है 2783, मतलब अच्छा खासा मूवमेंट आ गया नीचे। तो सेम चीज़ आपको स्टॉक्स में भी देखना है, और स्टॉक्स में आपके सफल होने की संभावना ज़्यादा है। कैश मार्केट में अगर करते हो, इक्विटी ट्रेडिंग करते हो, तो जिनको भी दिक्कत हो रहा है ट्रेड लेने में या ऑप्शन ट्रेडिंग में दिक्कत हो रहा है, मैं यही सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि सारे लोग मेरे ओन मेंबर हैं, तो मुझे मालूम है यार किसी को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो जिसका प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है ऑप्शन में, सीधा इक्विटी में स्विच कर दीजिए। अगर 20,000 रुपये भी है तो आपको ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है, 20,000 में आपका 5 गुना मार्जिन मिलता है, 1,00,000 का आप शेयर शॉर्ट कर सकते हो, है ना। जिसको इक्विटी ट्रेडिंग नहीं आती उनको ये भी बोल देता हूँ, अगर आपके पास शेयर नहीं है तो पहले आप सेल कर सकते हो इंट्राडे में, फिर नीचे आएगा तो बाई कर लीजिए, वो बीच का आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो 20,000 भी है तो 1,00,000 का पोजिशन आप बाई सेल कर सकते हैं, है ना। जिसके पास 1,00,000 है वो 5,00,000 का कर सकते हैं, जिसके पास 5,00,000 है 25,00,000 का कर सकते हैं। तो इक्विटी में क्या होता है कि जैसे ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, स्पाइक्स ज़्यादा आता है। जैसे ये चार्ट है, इसमें क्या होता है, जैसे ऑप्शन है तो ऑप्शन में भले आपके ट्रेंड आपके फेवर में है, लेकिन बीच में जो थोड़ा सा ऊपर उठा है, आप निफ्टी के चार्ट में देखोगे तो ये ऊपर नहीं हुआ है सिग्नल, लेकिन ऑप्शन के प्राइस में क्या होता है, इधर ये आपको कहीं ना कहीं डगमगाने को मजबूर कर देगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके। अगर आपको हमारा कोर्स फ्री में चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उससे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और अकाउंट ओपन होने के बाद इस व्हाट्सअप नंबर पर आप शेयर कीजिए, आपको हमारा कोर्स फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। तो ऑप्शन थोड़ा सा टफ है, लेकिन कैश मार्केट में भी उतना ही पैसा बनेगा जितना आप ऑप्शन में उम्मीद कर रहे हो, ऑप्शन से ज़्यादा पैसा कैश में बनेगा, क्योंकि कैश में आप टिक जाओगे। ऑप्शन में क्या होता है कि वहीं का वहीं रुका हुआ है मार्केट, लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम एकदम तेज़ी से डाउन होता हुआ जाता है कई बार। ये चीज़ आप लोग ऑब्जर्व किए हो कि नहीं, प्राइस नहीं गिर रहा है, निफ्टी वहीं का वहीं रुका है, लेकिन ऑप्शन का प्राइस गिर जाता है तेज़ी से। हाँ, तो वो जो सिचुएशन है वो हमको पैनिक करता है। कई बार क्या होता है, हमने स्टॉप लॉस लगाया, वो स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर से वापस भाग गया। तो 2-3 बार अगर वही होगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा वापस भागेगा, तो तीसरी बार हम लगाएंगे नहीं स्टॉप लॉस, और तीसरी बार क्या होगा, वो एकदम से नीचे चला जाएगा। कि आप देखोगे नॉर्मल टेंडेंसी निफ्टी का, अगर वो S2 के नीचे टिक गया है ना, S2 के नीचे टिक गया है, काफ़ी देर कंसोलिडेट किया, उसके बाद S3 ब्रेक करता है तो S4 जाता है, आप देख लेना कभी भी। अगर वो S4 जाता है ना, तो बीच में कंसोलिडेशन रहता है, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है। अभी क्या है, हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड डाउनवर्ड था, मंथली CPR और वीकली CPR डाउनवर्ड था, इसीलिए डाउन में दिक्कत नहीं था। कई बार क्या होता है कि मंथली CPR के हिसाब से अप ट्रेंड है, वीकली के हिसाब से अप ट्रेंड है, इंट्राडे में डाउन आ रहा है तो वो पलट सकता है, है ना। लेकिन अगर मंथली में अप ट्रेंड है, वीकली में अप ट्रेंड है, और इंट्राडे में ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो ऊपर की ओर वन वे भागता है, जो R4 तक जाता है। होप आज का सेशन फ्रूटफुल रहा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू फ्रेंड्स।
अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर कम्प्लीट लर्निंग यू कैन ज्वाइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।